राजगढ़ जिले की मोहनपुरा सिंचाई परियोजना की सफल कार्यप्रणाली देखने के लिए आज कर्नाटक से सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर की टीम आई। कर्नाटक में अपर भद्रा परियोजना का काम चल रहा है। अपर भद्रा परियोजना को राजगढ़ की मोहनपुरा परियोजना जैसी सफल बनाने के लिए इस परियोजना को देखा गया है। गांव में जाकर इस परियोजना की उपलब्धियां देखी व इस परियोजना से लाभ पा रहे किसानों से चर्चा की। बता दें कि जिले की मोहनपुरा बृहद सिंचाई परियोजना से जिले के 125 गांव में प्रेशराइज्ड पाइप से स्काडा पद्धति से पानी पहुंचा रहे हैं। इससे वे किसान लाभान्वित हो रहे हैं जिनके खेतों में पानी नहीं होने से फसल खराब हो जाती थी। इस परियोजना से वर्ष 2023 तक 700 गांव लाभान्वित होने का लक्ष्य रखा गया है। So we heard successful stories of Madhya Pradesh, especially pressurized irrigation schemes, systems. So we are also planning the same type of projects in Karnataka. But before going to implement, we thought to visit Madhya Pradesh projects. Yesterday also we had been to Punasalit. Today we are visiting this Mohanpura irrigation project. Actually, so far we have heard, but today we have seen with my eyes, and my team is very much heard about this irrigation project. Really speaking, so it is most successful project. So this project success, there are many people are behind this. It is a team, what our project director told. It is a really a good team they have. आज यहाँ हमारे यहाँ कर्नाटक शासन से एक मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक टीम यहाँ पर आई है। राघवन साहब मुख्य अभियंता और उनकी टीम ने पूरा प्रोजेक्ट का मुआयना किया। इसमें हमने पंप हाउस और स्कैडा कंट्रोल सेंटर सब कुछ बताया और यहाँ पूरे सुबह 10 बजे से लेकर उन्होंने पंप हाउस देखा, स्कैडा सेंटर देखा, फिर फील्ड में जाके जो डेमो फार्म्स के उस योजना को समझा। वर्तमान में प्रदेश की ये पहली परियोजना है जिसमें इतने अधिक गांवों में पानी पहुंचाकर किसानों को लाभ दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, राजगढ़। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।